Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. पहले हम लोग ने ये पिक्चर का एक सब्जेक्ट रेडी किया कि शाहरुख ने किया और काजोल को फेंक, शिल्पा शेट्टी को फेंक दिया और काजोल के साथ ऐसे ऐसे प्यार होने लगा और कुछ पहले रिवेंज का ऐसा कुछ भी नहीं था। और पिक्चर का एंड यह था कि काजोल पीछे एक नाइफ ले लेती है और पीछे ऐसे रखती है और शाहरुख को मार डालती है। दोनों ने काली काली आंखें सुना है तो हमने बोला कि सारा ये तो सुपर गाना है, कमाल है ये, तो बोला कैसे क्रिएट करे। तो हमने रतन जी से भी बोला वीनस पे, बोला ये गाना आपस में अपनी फिल्म में जाएगा नहीं, इसलिए कि काली काली आंखें काजोल पे कैसा करेंगे, उसकी आंख तो ब्राउन है, राइट। हाँ तो ये तो गाना जाएगा नहीं। हमने बोला लोग भूल जाएंगे काली आंखें। अब्बास भाई, मुस्तन भाई, वेलकम टू द 90s शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये शो 90s डेकेड का एक सेलिब्रेशन है और आपने हिट आफ्टर हिट दी इन द 90s, तो आई वॉन्ट यू टू रिवाइंड अ लिटिल बिट। तो थ्रू द 90s आपने 5 फिल्में बनाई, खिलाड़ी, बाजीगर, दरार, सोल्जर और बादशाह। तो प्रैक्टिकली हर 2 साल एक नई फिल्म आ रही थी, तो उस वक्त माहौल कैसा था और काम करने का प्रोसेस क्या था? मतलब इतनी जल्दी जल्दी फिल्में बनाना कितना मुश्किल था या उस वक्त सब ऐसे ही काम कर रहे थे? तो हमें ना पिक्चर पहले से देखते थे ना, बचपन से बंक करके स्कूल से जाके कहीं भी पिक्चर देखते थे ना, हमको थ्रिलर पिक्चर बहुत अच्छी लगती थी दोनों को। हाँ, हम लोग, मुझे तो अच्छी लगती थी। फिर मुस्तन भाई भी उनके, मैं देखता था, मैं बड़ा तो ये छोटे, तो उनको भी लगता था मैं देख रहा हूँ तो उनको भी देखनी चाहिए। तो हम लोग ना तीसरी मंजिल पिक्चर इतनी बार देखी, इतनी बार ज्वेल थी, ये सब पिक्चर है। और जहाँ भी कोई इंग्लिश पिक्चर देखते भी थे, कहीं रेक्स सिनेमा था, एक्सेलसियर, वहाँ जाके हम लोग टाउन में रहते थे उस वक्त। अच्छा लगता था हम लोग को, कमाल, हम लोग बैठ के ये तो सोच रहे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऑडियंस भी बैठी है, उस वक्त इतना दिमाग नहीं था कि पिक्चर मेकिंग क्या, मगर हम लोग क्यों इतना इंटरेस्ट देते थे, ऐसा लगता है गाने अच्छे थे। अभी सब अभी हो रहा है, अभी उस वक्त नहीं पता, उस वक्त पता नहीं था, गाने अच्छे होते थे। Who Done It वाली फिल्म थी जैसे तीसरी मंजिल, फिर भी हमने वो फिल्म देखी होगी एटलीस्ट 7-8 टाइम्स वो टाइम पे, रियली। हाँ, तो आज लोग बोलते हैं कि Who Done It फिल्म लोगों को मालूम पड़ गया, वो इज द मर्डरर कौन है, रिवील हो गया, खत्म हो गया। हमको भी मालूम था, फिर भी हम लोग ने 7-8 टाइम्स क्यों देखी, कि देर वर अदर एस्पेक्ट्स, फिल्म में एंटरटेनमेंट था, गाने अच्छे थे, विजुअली इतनी अच्छी थी फिल्म, और उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें थी कि जिसके लिए हमको अट्रैक्ट करते थे, लोगों को भी है ना, सुपर हिट फिल्म थी। और हम लोग इनके बहुत अच्छे फैन, बहुत ह्यूज फैन थे, गोल्डी फैन थे, जैसे उनकी ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, ये वो जितनी फिल्में, हम सब फिल्मों के फैन थे। और दूसरे फिल्मों के फैन थे मनमोहन देसाई के, मनमोहन जी, मन जी, तो उनकी जो लार्जर देन लाइफ फिल्में देखना, एंटरटेनमेंट और वो, तो हम लोग बस शौक था फिल्में देखते थे। तो जब हमको आया कि तो हमको फर्स्ट फिल्म हमने खिलाड़ी बनाई जो वीनस से, जहाँ से हमको फिर नाम वाम मिला वो फिल्म में। उस वक्त तो अभी ये मल्टीप्लेक्स था नहीं, उस वक्त उस फिल्म ने 50 वीक्स किए थे, करेक्ट। अच्छा, तो हम लोग ने फिर उसके बाद विनेश ने कहा, देखो हम लोग तो प्रोडक्शन में नए हैं, आप लोग को सब करना पड़ेगा। बोला हम लोग करेंगे तो आप तो क्या करेंगे क्या? लोग अच्छा एक्टर ढूंढिए। बोला अच्छा एक्टर, बोला बड़ा एक्टर ढूंढिए, अभी हम लोग पहली पिक्चर बना रहे तो बड़ा एक्टर में। उसको मैंने कहा अनिल कपूर चल रहे थे, ऐसा कुछ जहन में नहीं था हमारे, अनिल कपूर थे, ये थे, वो थे। तो हम लोग ने कहा ये पिक्चर है ना, हम लोग जरा अलग बनाते हैं, हमारे पास एक टाइटल है मतलब खिलाड़ी। बोला नहीं नहीं, खिलाड़ी टाइटल अच्छा नहीं है, वो ऐसा लगेगा चला क्रिकेट स्पोर्ट्स फिल्म है। बोला नहीं नहीं, खिलाड़ी तो हर भवन में, रोमांटिक के अंदर खिलाड़ी जाएगा, यहाँ जाएगा, आदमी सब कुछ करता है अपने आप में,
हर फील्ड में सब अपने अपने खिलाड़ी रहते हैं, मतलब ये बात होगी देखना फ्यूचर में। तो बोला ठीक है आप रख दीजिए खिलाड़ी, खिलाड़ी टाइटल अवेलेबल था मिल गया। और एक्टर तो बात आई तो बोला वीना चौहान ने कहा बोला एक नया लड़का भी, बहुत सारे लड़के आए, रोनित रॉय है और अक्षय कुमार भी एक नया लड़का आया है, आप देख लीजिए सौगन पिक्चर कर रहा है कुछ डांसर पिक्चर कुछ है, मतलब मिल लेते हम लोग। तो यहाँ बैंड्रा में रॉयल इन होटल थी, वहाँ हम लोग ने बैठे और मीटिंग की। अक्षय कुमार आए और बोले सर मेरे को, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर रिलीज हुई नहीं है लेकिन मैं ये मेरा प्रोग्राम है ना, तो ये सब्जेक्ट है ऐसा ऐसा हम लोग ने बनाया। हम लोग ने क्या सोचा, पहले विनय चौधरी का इसमें गाने पाँच ही रहेंगे, ऐसी फिल्म बनाएगी, लेकिन हम लोग चाहते कि सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर बनाए एकदम यूथ, ऐसा रहे कि अक्षय कुमार धमाल कर रहा है ये वो। अक्षय कुमार एक्शन हीरो है मगर जो इंटरटेनमेंट में आएगा ना थोड़ा ह्यूमरस वे में सब ऐसा करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप लोग के जैसे मगर मतलब एक दूसरे रोल में दीपक तिजोरी जी है, मैं ना दीपक तिजोरी को कैसे लेके आएंगे, अक्षय कुमार को तो आ गया लेकिन दीपक तिजोरी को तो वीनस ने कहा कि दीपक तिजोरी होना ही चाहिए। अक्षय कुमार ने आया था, फिर जो जीता सिकंदर भी कर रहा था, जीता वही सिकंदर कर रहा था, बोला बहुत पॉपुलर। सो यू नीडेड दीपक तिजोरी क्योंकि टू बैलेंस अक्षय बैलेंस अक्षय कुमार के लिए, अक्षय कुमार भी नया है दोनों का रोल, ये थोड़ा ह्यूमर वो थोड़ा डरता है अक्षय कुमार, ये उसको एडवाइस देता है, सब ऐसा था दोनों पैर हाँ, ऐसे करने के हाँ। हीरो नहीं सोचा था हमने, ऐसा सोचा था दीपक तिजोरी जैसा ही चाहिए, तो सब हुआ और पिक्चर बनी। आयशा झुलका को किया हमने, सबकी प्राइस हमने जाके फिक्स की, अक्षय कुमार को बोला क्या पैसे लोगे ये वो, उसको क्या प्राइस होती थी अभी बोलना बोल लूँ मैं, हाँ हाँ अब क्या फर्क पड़ता है। तो अक्षय कुमार को कहा हमने, अक्षय तो पिक्चर में क्या लोगे, सर मुझे आपके साथ काम करना है, हमने काम तो करेंगे हम लोग डेफिनेटली, तो बोला सर मेरे को 2.5 लाख रुपया दे देना। माय गॉड, तो हम लोग ने कहा कि 2.5 लाख, तो हम लोग ने फौरन वहाँ से रतन जी को फ़ोन किया विनेश वाले, बोला रतन जी अपना अक्षय कुमार है आ गए इधर, सब पैसे की बातचीत भी हो गई, सब्जेक्ट नरेशन दिया अच्छा लगा उनको और वो 2.5 लाख रुपया बोल रहा है। मैं देखो थोड़ा सा 25 कम करवा लो आप, मतलब रतन जी अभी हम लोग को प्रोडक्शन की बातें हम लोग नहीं करते, एक एक्टर सामने बैठा और 25 कम करवाना मुझे हाँ। अच्छा नहीं लगता है, मतलब कर दो ना 25 ज़्यादा क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रतन जी ने बोला कर दो आप भी पहली फिल्म बना रहे हो, बोला आपकी इतनी म्यूजिक कंपनी में साजन वाजन पिक्चर आई है सर। अच्छा आपको पता कैसे चला कि अक्षय ये कर सकता है, क्योंकि सौगंध रिलीज नहीं हुई थी? नहीं हुई, वो एक दीदार फिल्म अनाउंस हुई थी, वो थोड़ी स्टॉल हो गई थी, प्रमोद चक्रवर्ती की करेक्ट, वो एक्चुअली पहली फिल्म हाँ, तो वो ही थी। पहली फिल्म थी right. वो सौगंध आ गए तो वो रिलीज पर आने वाली थी हाँ. फिर और एक फिल्म कर रहा था डांसर या ऐसा कुछ नाम था पता नहीं हाँ कोई गुजराती डायरेक्टर, अक्षय की जो फीलिंग थी आया हुआ था जो न्यूज़पेपर, उस वक्त तो टेलीविज़न का ऐसा कुछ था नहीं, न्यूज़पेपर में कि एक्शन हीरो आ रहा है जो ब्लैक बेल्ट है एंड बैंकॉक से आया है, बैंकॉक में था वो शेफ है या क्या कुक था या क्या था वो, तो बहुत अच्छा कह रहे थे। हमने बोले हमारी फिल्म में लीन यंग अच्छा एक्टर वैसा भी है, तो एक्चुअली ये बात रोनित रॉय को मालूम नहीं है, लेकिन पहले हम लोग ने सोचा था कि इसमें रोनित रॉय को ले, रोनित रॉय तो उनका जो मैनेजर था उन्होंने ऐसा बोला कि भाई वो उनका रेन्यूमरेशन होगा 4 लाख रुपये, जो बोले कि 4 लाख रुपये ज़्यादा हो जाएंगे हाँ। फिर अक्षय की बात निकले, अक्षय आया, अक्षय हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइवली था, एक्टिव था, हम लोग को मालूम था कि भाई ये ऐसे ऐसे एक्शन करता है सब कुछ करता है। उसने कहा मैं एक्शन बहुत अच्छी करता हूँ, अक्षय ने कहा हाँ। कि आप लोग कहीं सब्जेक्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब क्लाइमेक्स में आएगी बीच में एक्शन, लेकिन ये पिक्चर है ना वो सब एक्शन पिक्चर में देखेंगे, वो सौगन आ रही है सब लोग देखेंगे, तुमको हमारे पिक्चर में तुम अलग लगने चाहिए right. थोड़ा रोमांटिक ये थोड़ी ह्यूमर कॉमेडी करनी पड़ेगी, मतलब सर में नहीं ऐसा नहीं आता है, मतलब करना कमाल करोगे तुम अक्षय।
हमको कॉन्फिडेंस हम लोग भी करवाएंगे, तुम भी करना, ऐसा करोगे तो ऑडियंस लाइक करेंगे तुमको। अमेजिंग। और फिर वो सालों साल तक खिलाड़ी वाली पिक्चरें करते गए, फिर करते गए, फिर तो उनका जबरदस्त चलता गया। हाँ। और गाने वाने बहुत अच्छे चले, वादा रासन हम गाना था, जतिन ललित की म्यूजिक थी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सब गाने बहुत अच्छे रहे उसके अंदर। और मर्डर मिस्ट्री पिक्चर थी, सस्पेंस, आनंद महादेवन, ये वो, प्रेम चोपड़ा जी, सब लोग। और पर ये बताइए, उस वक्त उस 90s के थ्रू जो आपने फिल्में बनाई, मोस्ट ऑफ देम वर एडाप्टेशंस ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आप दोनों को हॉलीवुड फिल्म बहुत पसंद थी, आप देखते थे काफ़ी? नहीं, हम लोग ऐसा वो टाइम ही नहीं था कि हॉलीवुड फिल्में देखें हम लोग। हम लोग के जो हम लोग टाउन में रहते थे, तो हम लोग के नियरेस्ट जो सिनेमा जो इंग्लिश फिल्म के लिए रहते थे ना, वो था रीगल, स्टर्लिंग, न्यू एम्पायर और एक्सेल। वो सब साउथ बॉम्बे वाले, साउथ बॉम्बे, बिल्कुल। हम लोग को रेक्स सिनेमा, तो वो जो फिल्म हम लोग शौक से जाके कौन सी देखती थी, जो इंग्लिश फिल्में आती थी ना, जो वेस्टर्न काउबॉयज, ये वो सब फिल्में देखते थे हम लोग। एंड यहाँ जो भी इंग्लिश पीछे को आके बताते ना, ये बहुत अच्छी इंग्लिश फिल्म है, तो जाके देखते थे। हमको ऐसा कोई था नहीं ये। और जो राइटर्स भी हमने जो खिलाड़ी में लिए, चाइनी ले, तो एक राइटर ने आइडिया सुनाई थी हमको, तो वो आइडिया हमको अच्छी लगी आइडिया, कि ये आइडिया पे बना थे। और जितनी भी जो इंग्लिश फिल्म के देख के बनाना है, ये है ना, ये सोचना गलत है कि हम लोग सोचते हैं, वो राइटर हमारे पास लेके आता है। Right. वो कहीं से इंस्पायर हुआ होगा, राइटर होता है ना, ये वो इंस्पिरेशन लेता है, राइटर बोलता है कि। और मोस्टली ज़्यादा करके जब वो राइटर जो फिल्म लेके आते हैं ना, कि मैं इंस्पायर होता, हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग फिल्म नहीं देखेंगे, आप हमें नैरेट कीजिए कि वो क्या है फिल्म, और उसको एडेप्शन कैसे होना है, क्या करना है। तो हम लोग फिल्म पूरी बन जाती है ना, रिलीज हो जाती है ना, तब तक हम लोग ओरिजिनल फिल्म नहीं देखते। हाँ, लेकिन तो, उस समय आपको कैसे पता चलता था जब राइटर्स सिर्फ नरेशन दे रहे हैं कि ये कहानी हम इंडियन ऑडियंस के लिए अडैप्ट कर सकते हैं, ये कैसे आपको पता चलता था? नहीं, तो हम तो इंग्लिश के हिसाब से सोचते ही नहीं थे ना, राइट, कि ये इंग्लिश में बनी हुई फिल्म है। हम तो जो इंग्लिश का भी सुना है, तो हम लोग तो एडेप्शन का ही सोचते थे कि भाई यहाँ क्या चलेगा। लेकिन आपने सोचा कैसे कि अ किस बिफोर डाइंग बाजीगर बन सकते हैं, जो उस वक्त के लिए कितना अलग ख्याल था, तो आपने ये देखकर कैसे सोचा कि ये हिंदी फिल्म बन सकती है? हाँ, नहीं तो अच्छा, ये हमारे माइंड में यही चीज अच्छी लगी। रियली? हाँ, ऐसा सोचा नहीं कि हमारे इंडियन ऑडियंस को कैसे लगेगी, जो हमको अच्छा लगा ना, वो हम लोग ने फिर अपने खाली ये थॉट चला गया, तो हमने वर्किंग करना स्टार्ट किया, हमने राइटर्स को अपॉइंट किया, उसको बहुत अच्छे चल रहे थे, फोर लोग टीम थी, रॉबिन भट्ट, हाँ, आकाश खुराना, करेक्ट, एंड जावेद सिद्दीकी, एंड एक नए रहे अभी सुजीत सेन, सुजीत सेन, यस, हाँ यार, तो इनकी टीम थी, तो उस वक्त भट्ट साहब की सब फिल्में लिखते थे, उन लोग ने सब फिल्में लिखी थी, तो हमने उनको बोला उनसे लिखवाते हैं, तो उनके पास गए, सब बात हुई, बोला हाँ हम लोग करते हैं, बोला हम लोग ने इस फिल्म के ऊपर ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, कि वो लोग बहुत इंग्लिश फिल्में देखते थे, नहीं इस फिल्म पर हमने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। मैंने बहुत एक्टरों को सुना है, बड़े बड़े एक्टर लोगों को, उन लोग ने मना कर दिया, वो रॉबिन भट्ट ने हमसे कहा, रॉबिन भट्ट ने सुना, राइट, तो हमने बोला कि हमको जो कहानी है उन्होंने बताई, तो कहानी बताई, तो उन्होंने एज इट इज़ जो इंग्लिश फिल्म थी वो बताई, तो हमने बोला ये कहानी हमने उनसे नहीं कहा, लेकिन हमने प्रोड्यूसर से कहा कि ये कहानी ऐसे बनेगी ना, तो ये हिंदी में नहीं चलेगी, एक लड़का कोई लड़की को ऐसा फेंक देता है, ऐसा करेगा, तो हम लोग ये थॉट अच्छा है, ऑडियंस ने ऐसा कभी देखा नहीं है, ऐसा ये बनेगी, बिल्कुल बनेगी, हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग प्ले करते हैं कि माँ के जो फीलिंग इमोशन है ना, उसका एक बैक स्टोरी बनाना पड़ेगा। नहीं, पहले हम लोग ने ये पिक्चर का एक सब्जेक्ट रेडी किया, कि शाहरुख ने किया और काजोल को फेंक, शिल्पा शेट्टी को फेंक दिया, और काजोल के साथ ऐसे ऐसे प्यार होने लगा, और कुछ पहले रिवेंज का ऐसा कुछ भी नहीं था, और पिक्चर का एंड यह था कि काजोल पीछे एक नाइफ ले लेती है और पीछे ऐसे रखती है और शाहरुख को मार डालती है। ओह, ये पिक्चर का एंड ओरिजिनल एंड था, ओरिजिनल ओरिजिनल एंडिंग ये था, ये था, तो सब चीज माफ है, राइट, इस चीजों में सब चीज माफ है।
मैं तुम्हें आजाद कर रहा, मुझे माफ कर देना। तो वो जो एक डायलॉग है जो आज तक लोग नहीं भूले कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं लोगों की नजर में मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरी एक्चुअली जीत है। करेक्ट, जीत है। लेकिन ये लिखा किसने, क्रिएट कैसे? अभी ये बताऊँ आपको मैं। हाँ। देखो, रॉबिन बट हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सब कुछ फ्रेंड हैं हमारे, मगर कुछ डायलॉग जो इसके अंदर थे, जो तो आदेश के अर्जुन करके हमारे साथ में रहते थे, बोला सर मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ सीखने मिलेगा। अरे मैं, हम लोग ने एक खिलाड़ी पिक्चर की, अरे सर इतनी कमाल पिक्चर है, मगर बोला आपके साथ मिलेगा। वो हमारे साथ में बैठ के लिख रहे थे, तो अभी वो हमारे साथ में बैठते थे ना, तो रॉबिन बट उन लोग का टाइम कैसा था, एक दिन में चार बोर्ड के ऊपर चार पिक्चरें का काम करते थे वो। राइट। कि भाई आज ये महेश भट्ट साहब की ये पिक्चर है, इन दैन चार से छः बजे तक अब्बास मिस्टन के साथ करना है, छः बजे से कोई और करेंगे, ऐसा उन लोगों का टाइमिंग था। मगर उतना जावेद साहब भी थे, जावेद सिद्दीकी साहब, अब काम करना था, तो हम लोग ने आदेश को बोला, आदेश यार उन लोग ने लिख के हम लोग को सब सीन दे दिया। आदेश ये कमाल एक लिखना ना, कमाल डायलॉग ऐसे कि वो काजल चली जाती है, ये थॉट दिया हमने, उसको थॉट दिया कि तो रेस होता है, फिर वो पर्पसली वो हारता है, जानबूझ के हार जाता है, और ऐसा चाहिए। और ओ तो आदेश ने बोला, मैं सेट के ऊपर ही था, आदेश भी था, हम लोग चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे। हाँ। तो उसने लिखा, बोला सर एक सबसे बड़ा डायलॉग है, मैं डायलॉग लिखूँ? बोला हाँ, बोला लिखो। हम लोग ने शाहरुख को सुनाया, बोला कमाल डायलॉग है। हाँ, शाहरुख को नहीं मालूम किसने लिखा है क्या। करेक्ट। बन गया, कमाल डायलॉग है सर, ये तुम्हें तो कमाल। तो वो सीन पूरा किया। ये डायलॉग सेट पे लिखा गया, सेट के ऊपर लिखा गया है डायलॉग। हां, सेट के ऊपर लिखा गया। माय गॉड, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था? नहीं, बट आपको लगा कि कुछ कमी है, तो मतलब कुछ बोले, लड़की को पकड़ेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अच्छा, कन्वे करना था उनको कि वो जीता है जो रेस के अंदर, हार गया है। करेक्ट। हम लोग ने दिखाया एक्सीलेटर से उसने पैर हटा दिया और दिलीप पहले को आगे जाने दिया, ताकि वो भले जीते, मैं उसको जीतवाना चाहता हूँ, लेकिन जीत तो मेरी होगी बाद में, बाद में मैं उसको बराबर टैकल करूंगा। करेक्ट। लड़की के साथ क्या रिलेशन बना के उनका दिल जीतूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल, वो स्ट्रैटेजी थी दिलीप पहल का, मैं दिल जीतूंगा वो उसके फादर का। या, या। और फादर का जीतने को लड़की बहुत गुस्से होगी, चले ये जीत गया ये वो। या। तो वो अच्छा सा थोड़ा सीन बना के फिर काजल भी एकदम न्यू बबली और कमाल थी। तो इतने नेचुरल एक्टिंग, और ये सीन हम लोग ने शाहरुख को बोला, अरे भाई ये डायलॉग है आपका, बोला कमाने वाला कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। राए, राए। और हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते, बोला ये काजल को बोलना है आपको, हार पकड़ के बोलना है। फिर ऐसा करते करते शाहरुख ने खुद नहीं किया, फिर बोला मतलब लास्ट में ऐसा बोल दूँ, क्या बोलते हैं, बोला बाजी कर। वो बोले वो इम्प्रोवाइज किया वहीं पर, इम्प्रोवाइज किया शाहरुख ने। हाँ, तो देखो कैसे बन जाती है, बन जाती है। अमेजिंग। अच्छा ये बताइए कि जॉनी लीवर आपकी फिल्मों से कैसे जुड़े, बिकॉज खिलाड़ी में भी उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल था, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे, बाजीगर में वो भुलक्कड़ बाबूलाल बन गए, बादशाह तक वो कर रहे, तो वो कैसे हुआ? ये जॉनी भाई की एक दो फिल्में आई थी, कोई एक दो पिक्चर आई थी, हम लोग ने देखी थी। तो फिल्म देख के आपको लगा? फिल्म देख के लगा कि भाई ये उसमें इतना ज्यादा नहीं था, एक खाली थोड़ा ही सीक्वेंस था कि भाई पुलिस स्टेशन में कम से कम विटनेस, और जो ओरिजिनल ये लोग जाते हैं ना बाहर, तो वहाँ मुलाकात होती है जिसका हायर पे लेते वो लोग, रेंट पे लेते वो जो एक मकान, तो वहाँ केयर टेकर है वो, तो वहाँ इतने इतने सीन थे, लेकिन उसमें जॉनी भाई बहुत अप्रिशिएट हुए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर हमने बाजीगर में लिए, बाजीगर में ये कैरेक्टर था ही नहीं, हम लोग ने प्ले देखा था बिरला हॉल में, तो वो प्ले का टाइटल था एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर।
तो वो प्ले देखा हमने, तो वो कैरेक्टर जो प्ले किया था ना वो ऐसे ही था, तो वो कुछ भी बात करते करते बात भूल जाए ऐसा। तो हम लोग ने वो फिल्म वो प्ले में बहुत एंजॉय किया था, एंटरटेनमेंट। तो हमने बोला कि थ्रिलर फिल्म में है तो ये जॉनी भाई को ये रोल देते हैं, एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं जो घर में काम करता है, घर में वर्कर है ऐसा है, और उसको हम लोग बनाते हैं, ये वो कैरेक्टर बनाते हैं। तो उसकी नज़र के सामने एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, सबको मालूम है उसको, फिर भी वो पॉट पे वो चीज़ को भूल जाते हैं जो थ्रिलर फिल्म में होते हैं। कैसा लगता है ऑडियंस ने, वो उसकी विटनेस अभी बताएगा और टाइम आता है तो याद नहीं रहता ऐसा। लेकिन जॉनी भाई ने हमें कहा था कि बहुत सीन्स जैसे आपने अभी बोला इम्प्रोवाइज होते हैं, उन्होंने कहा बहुत सीन्स इम्प्रोवाइज होते थे, जैसे वो पूरी जो जो एक सीक्वेंस अनारकली अनारकली वाली कि अनारकली का फोन आया था कि आइसक्रीम जरूर खानी, वो इम्प्रोवाइज हुई थी वहाँ स्पॉट पे, चेक कर रहे थे स्पॉट पे, उसने डायलॉग बोला, आपको पता भी नहीं था वो बोलने वाले, नहीं डायलॉग हम लोगों को था ही नहीं बोलना कि मेरे को अपना आई फॉरगॉट कुछ भी बोल देना आप वहाँ, क्योंकि वो फोन आया ना तो हम लोग ने क्या किया था कि वो भूल जाता है ना, तो अंजलि का फोन था ना, अंजलि का फोन था और मेरे को अंजलि का फोन था, मर्डर के बारे में कुछ बताना जरूरी है, अंजलि का फोन था मर्डर के बारे में बताना जरूरी, ऐसा बोलते बोलते हमने लिया ताकि वो भूल नहीं जाए, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी बताने के लिए काजल को, दिलीप टहलो। तो शाहरुख ऐसा देखता है, उसका शॉट लिया, शाहरुख देखता है, बोला ये तो बात पकड़ा जाऊंगा मैं, शाहरुख ने सोचा इसका माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, अरे तो बाबूलाल करके शाहरुख ने बुला लिया, तो वो अंजलि का फ़ोन था, ऐसा करते 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 वहाँ पर शाहरुख ने बोला वो मेरे लिए कुछ अपना आइसक्रीम का ऐसा लेके आना, ऐसा कुछ शाहरुख बोलते तुम सबको ध्यान रखना वाला आइसक्रीम। एंड जॉनी भाई हैड टू से वहाँ पहुँच के ये बोलना था उनको कि सर मैं जो आपको बताने आया था वो मैं भूल गया, क्या बात था इतना था। तो हमको कैमरा वॉज रोलिंग, तो उसने जाके ये डायलॉग बोला जो फिल्म में इतना पॉपुलर हो गया, अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है, क्या अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है, ये काफी होता था, ये अक्सर होता था कि ऐसी इंप्रोवाइज हो जाती थी लाइनें सेट्स पे, मतलब कुछ बाउंस स्क्रिप्ट्स ऐसा कुछ नहीं होता था, मतलब स्क्रिप्ट किस लेवल की होती थी? नहीं ये नहीं, एक्चुअली पहले नरेशन देते थे, बाउंस स्क्रिप्ट पहले मांगते नहीं थे, नरेशन देते थे पहले, नरेशन दिया और नरेशन में क्या होता, पूरी पिक्चर दिमाग में आती है क्या होने वाली है। अभी मैं कोई थ्रिल सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको कमाल लगेगा, ऐसा आया ये गया वो आया आपके पीछे आया खड़ा हुआ, अब वो लिखा हुआ है ना उसमें कितना भी अच्छा हम लोग ने क्या कंसीव किया है, वो लिखा हुआ क्या है, अगर वो लिखा हुआ उसने गलत वे से पढ़ा, उसने अगर लिखा करेक्ट है लेकिन जो ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं तो लिखने में कुछ नहीं आया तो उनको समझ में नहीं आएगा पढ़ने में, तो हम लोग उनको एक्सप्लेन करते थे ऐसा होगा एज ए डायरेक्टर, तो उसको समझ में आता अच्छा है क्या पिक्चराइज होगा। लिखने में चार लाइन का था लेकिन शूटिंग दो दिन की होती है, कभी कभी डायलॉग्स पूरे लिखे होते थे कि नहीं, डायलॉग्स लिखे होते थे, हम लोग बिलीव करते हैं कि भाई जो एक्टर्स होता है ना उनका इनपुट आना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग कभी भी एक्टर्स पे बाइंडिंग्स नहीं डालते, ये जो थॉट है वो कन्वे होना चाहिए उसमें, डायलॉग एक्टर्स जैसे शाहरुख है ये अक्षय था ये लोग इम्प्रोवाइज करते थे, ये जो स्पॉन्टिनिटी ये ऐसा लाना, तो हमको जजमेंट खाली जजमेंट लेनी थी वहाँ कि राइट है कि नहीं रॉन्ग है, कभी कोई ओवरबोर्ड चले गया तो हम लोग बोलते थे नहीं नहीं ये बराबर ये ज़्यादा हो गया स्क्रिप्ट में इतना नहीं है ऐसा नहीं ओरिजिनल रखी, या अच्छा लगा तो हम लोग बोलते थे यस ये बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो इम्प्रोवाइजेशन तो हम लोग तो बिलीव करते हैं कि होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो लिखा है वही होना चाहिए। और म्यूजिक कैसे क्रिएट होता था, इतना पॉपुलर म्यूजिक अनु मलिक के साथ, जितिन ललित के साथ, आपने ये कैसे किया? इसमें ये कुछ नहीं, जैसे जैसे ऑडियंस है, आज एक गाना आया और कैसे हिट हो जाता है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि जो ऑडियंस जो सुनने वाली है दे आर म्यूजिशंस, ये ऐसा है ये जो आपने सुना आपको अच्छा लगा अपने कानों को अच्छा सुनने में अच्छा लगा वो
बस यही था। तो हम लोग बोलते रहे जैसे जतिन ललित या अनु मलिक, अब सुनाइए सुनाइए। तो सुना के जाते देर राज कपूर साहब ने कहा है कि कहा था कि देर इज़ ऑलवेज अ सिचुएशन फॉर ए गुड सॉन्ग। तो हमको ये दिमाग में मालूम था कि भाई गाना आप सुनाइए। बोले सिचुएशन क्या है? बोला नहीं, सिचुएशन हम बाद में बताएंगे, आप गाना सुनाइए, आपके पास क्या है सुनाइए। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते ना आपकी सिचुएशन क्या है, वहाँ हम लोग उनको बोल देते आप सिचुएशन मत बताइए, हम बना लेंगे वो। हाँ। आप गाना अच्छा सुनाइए, सिचुएशन ओ अगर गाना अच्छा हुआ तो। हाँ, अच्छा हुआ तो राइट। तो हम लोग गाना सुनते थे जैसे काली काली आंखें मिला तो कॉपी निकल चुकी नहीं रतन जी ने। हाँ या पोस्ट प्रोडक्शन में फाइनल था यानी शूट वाज ओवर। हाँ, और फिर अनु मलिक के पास ये गाना था। बोला एक गाना मेरे दिमाग में आया आप सुनिए। हाँ। तो उन्होंने काली काली आंखें सुनाया तो हमने बोला कि ये तो सुपर गाना है, कमाल है ये। तो बोला कैसे क्रिएट करे? तो हमने रतन जी से भी बोला वीनस पे, बोला ये गाना आपस में अपनी फिल्म में जाएगा नहीं, इसलिए कि काली काली आंखें काजोल पे कैसा करेंगे, उसकी आंख तो ब्राउन है। हाँ, तो ये तो गाना जाएगा नहीं। हमने बोला लोग भूल जाएंगे काली आंखें, गाना अपना अच्छा है ना। हाँ। तो हमने एक सीन था, आप सिचुएशन कहाँ से लेके आओगे, कोई जगह तो है नहीं। हाँ, तो हम लोग ने एक दो दिन बैठ के सोचा कि हाउ टू क्रिएट दैट सिचुएशन। तो फिर जो अडी ईरानी वाला एक सीन था जो जिसका नाम शाहरुख जो आया जो विक्रम मल्होत्रा, वो सीन था कि वहाँ आता है और एक बार में उसको देखता है और वो सीन था। तो हमने वो गाने में कन्वर्ट किया। और कितने दिन बचे थे रिलीज के, ये कितने रिलीज के पहले था? 1.5 महीने के बचे थे। माय गॉड। अच्छा, शूट भी करना था तो सरोज खान से करवाना था, सरोज जी से। हाँ। तो बोली भाई मेरे पास डेट्स नहीं है। तो ये शूट कैसे हुआ गाना, हमने रात को 9 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock तक डेली शूट किया हमने, क्योंकि सरोज जी वॉज कमिटेड इन हैदराबाद। तो वो क्या करती थी, 7 o'clock की फ्लाइट लेके हैदराबाद जाती थी, शाम को 6 o'clock की फ्लाइट से वापस आती थी, रात को फॉर 6-7 days 6 nights उन्होंने ऐसा किया और हमारा गाना शूट किया। माय गॉड। और कितना हिट हुआ होगा। हाँ, कमाल हो गया वो गाना, इतना है कि आज सब हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो बोलते कि नहीं आपका वो गाना आप एक बार तो चलाइए और फंक्शन में हमारे चलते रहते हैं। तो वो गाना चलना चालू हुआ। लेकिन जैसे बाजीगर का टाइटल सॉन्ग था। हाँ। तो बाजीगर ऐसा म्यूजिकल वर्ड नहीं है, म्यूजिकल या म्यूजिकल वर्ड जैसे सोल्जर भी म्यूजिकल वर्ड नहीं है, नहीं है। हाँ। तो हमने अनु मलिक को बोला था कि आपके लिए चैलेंज है कि नॉन म्यूजिकल वर्ड के ऊपर आप गाना बनाइए। हाँ। और सोल्जर सोल्जर बन गया ना, और बाजीगर हो बाजीगर गाना भी बना। और आपको, आप 90s जब सोचते हैं 90s के बारे में तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं? पहले तो सबसे ज़्यादा 90s में एक्टर्स के लिए, सबके लिए भी, कि हम लोग 1-to-1 सबसे बात कर सकते थे एक्टर्स से, ये वो, और डायरेक्ट फ़ोन से बात कर सकते थे। डायरेक्ट फ़ोन से ये था, अभी वाया वाया कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। मगर हमने जिसके साथ काम किया है हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं अभी भी आज भी, क्योंकि उन लोग इतने अच्छे आदमी, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। और 90s में अभी डिफरेंस ये आ गया है कि भाई वर्ल्ड सिनेमा देखते हुए सबको, सबको इतना नॉलेज है, सबको मालूम है ये है, तो क्या बनाना कैसे बनाना, जो स्क्रिप्ट लिखा राइटर्स वी फील के जो राइटर्स की बहुत कमी है, जो ओरिजिनल लेके आए, नई बात लेके आए, जो आजकल जो 5-6 फिल्मों ने बहुत अच्छी जो फिल्में वर्क की थॉट लेवल पे, एक ही स्क्रिप्ट अभी रिसेंटली आई थी कि वो बॉल्ड है इसके ऊपर, तो अच्छी फिल्म थी चली, जो जो इतनी अच्छी नहीं थी, बोले थॉट सब कुछ था लेकिन जो अच्छा था चला, जो अच्छा नहीं था नहीं चला। तो अभी आज अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी फिल्म होगी तो डेफिनेटली वर्क करेगी, नॉट नेसेसरी कि इसमें कौन एक्टर है। चलिए, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग कि आप क्या बनाते हैं अब, एंड थैंक यू सो मच। मैंने बहुत अच्छा लगा गाना बनाएंगे अभी, को खुशी लगी आपसे बात करके, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू फिल्म कंपेनियन।